मेरा नाम महेश कुमार सिंह, मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से आया हूँ। मैं YouTube पे इनका वीडियो देखा, मतलब कान में कुछ भी अगर मशीन लगी है तो मशीन उतर जाएगी, तो मुझे मशीन लगवाने से कई डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने बोला नहीं मशीन लगानी पड़ेगी। मैं मशीन लगवाने के फेवर भी नहीं था, इसलिए जब यहाँ का ये वीडियो देखा मैंने कहा एक बार जा कर के दिखा के आते हैं। मैंने आया यहाँ पे दिखाया तो अभी तुरंत का फर्स्ट ट्रीटमेंट जो इन्होंने किया है उससे मुझे जो कान पे भारीपन महसूस होता था कि कोई आवाज़ अगर कोई बोल रहा है तो मुझे गौर दे करके सुनना पड़ता था, ऐसा लग रहा है कि शायद उससे हम थोड़ा उतना जोर लगा के नहीं सुन रहा हूँ, मतलब इजीली हमें सुनाई पड़ रहा है ऐसा महसूस हो रहा है। तो अगर ये तो हमारा फर्स्ट ट्रीटमेंट है, अगर मतलब मुझे लगता है भगवान करें अगर हम पूरे ट्रीटमेंट कर ले जाएं तो हमें विश्वास है कि हमारे हेयरिंग प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि डॉक्टर एडवाइज करते हैं मशीन लगाना, मुझे लगता है अगर ऐसे डॉक्टर मिल जाए तो मशीन लगाने की तो मतलब ज़रूरत ही नहीं महसूस होगी, क्योंकि मशीन लगाना एक आपका जो ओरिजिनल पार्ट है अगर वो ठीक हो जाए तो एडिशनल अटैचमेंट करने की क्या ज़रूरत है, वो तो आपका मतलब एक आपको बोझ ही है। आप आइए मतलब डॉक्टर से मिलिए, मतलब अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है हेयरिंग तो मुझे लगता है कि आपका मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जैसे हमने महसूस किया अभी है कि आकर के हमें लगा कि मतलब पता नहीं क्या होगा, लेकिन एक बार मशीन ना लगवाना इसलिए हमें ट्राई करना था कि भाई यहाँ भी हम देख लें, ऐसा हमें महसूस हो रहा है कि शायद हमारी हमें मशीन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा बहुत जो फर्स्ट ट्रीटमेंट पे हमें ये लगा कि नहीं जितना जोर लगा के हमें सुनना पड़ता था उतना जोर लगा करके हम नहीं सुन रहे, हमें अपनी आवाज़ ही हमें पहले से ज़्यादा क्लियर सुनाई पड़ रही है, तो इसलिए कोई दूसरा क्या कहता है मतलब डज नॉट मैटर। हमें क्या महसूस होता है, हमें ये महसूस हुआ कि हमें जो अभी इन्होंने दवा दिया, दवा खिलाया, दवा डाला, उसके बाद से हमें अपनी आवाज़ हमें ही मतलब पहले से अच्छी तरीके से सुनाई पड़ रही है ऐसा महसूस।